मोशन इन 1D में असाइनमेंट नंबर 10 जो मैंने आपको दी थी, इसका क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो क्वेश्चन कभी भी जल्दी नहीं पढ़ना, दो बार पढ़ना पड़ेगा, तीन बार पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ लो। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, डायग्राम में प्लॉटिंग करते जाओ। एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन का मतलब उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, तो 10 सेकेंड के लिए वेलोसिटी बढ़ गई टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो जीरो से वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड। मार्किंग कर ली मैंने 10 सेकेंड में। नेक्स्ट, इट देन रन्स विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 8 तो आई चुकी है, फिर कुछ देर के लिए वो 8 8 8 8 के साथ कॉन्स्टेंट के साथ मूव कर रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए पता नहीं। एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर विद कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन। उसने फिर ब्रेक सप्लाई की, वेलोसिटी कम 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 करते करते फिर से वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, और रेस्ट पे कितनी देर में आया, 64 मीटर पे। डायग्राम क्लियर है यहां तक? ठीक, तो जितनी भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी उसका डायग्राम क्लियर है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 584, तो एरो क्लियर है 584, टोटल डिस्टेंस 584। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। इस जर्नी को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया, पहला ए बी, ए बी का मतलब है एक्सेलरेशन, दूसरा बी सी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तीसरा रिटार्डेशन जब ब्रेक सप्लाई करते हैं। तो अगर वो पूछता है एक्सेलरेशन, तो मेरी जर्नी किस सेगमेंट में स्टार्ट होगी, ए बी। ए बी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 8, और टाइम क्या है, 10। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप कर लें। आप वो इक्वेशन अप्लाई करें जो सबसे जल्दी और छोटा और कम कैलकुलेशन में आंसर दे। मुझे दिख रहा है u, v और t, और a मुझे निकालना है, तो बेटर है v इज इक्वल टू u प्लस at। आप कुछ भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप इसमें कुछ भी लगाएं। तो मैंने लगाया u पता है, v पता है, t पता है, v इज u प्लस at में v पुट किया, u पुट किया, t पुट किया, तो मेरे पास ए आ गया 0.8, पहला आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि हमने पहला आंसर कैसे निकाला? फिर दूसरा, उसने कहा कि फाइंड रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन कहां मिलेगी मुझे, सीडी में। अब रिटार्डेशन में सीडी पोर्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, सीडी पोर्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 8, इनिशियल 8, फाइनल 0, और डिस्टेंस कितना है इसमें, 64। अब u पता है, v पता है, s पता है, और a निकालना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर cd में 2as, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 8 पता है, s की वैल्यू 64 पता है, यहां से a अपने आप ही नेगेटिव में आएगा बिकॉज रिटार्डेशन होने वाली है, आंसर क्या आएगा, -0.5। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक, दूसरा आंसर। फिर तीसरा पूछ रहा है, फाइंड टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी। टोटल टाइम का मतलब यहां से यहां टाइम कितना है। अब यहां से यहां का टाइम 10 सेकेंड है, यहां से यहां का टाइम हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यू पता है, क्योंकि हमें वी पता है, क्योंकि हमें एस पता है, और अब तो हमें ए भी पता है। तो आप इस जर्नी में लगाएं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 8 है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन -0.5 है, टाइम टी की वैल्यू 16 सेकेंड आ गई, तो ये भी टाइम आ गया आपके पास। सपोज अब आपको टोटल टाइम में ये टाइम 10 पता है, ये टाइम आपको 16 पता है, अब आपको सिर्फ ये टाइम निकालना है। अगर आपको ये टाइम निकालना है, यहां कौन सी इक्वेशन यूज की जाएगी बताओ, मोशन की, v इज u प्लस 80 लगाऊं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाऊं, कौन सी, s इज इक्वल टू vt, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कोई और इक्वेशन लगेगी नहीं, सिर्फ s इज इक्वल टू vt। ठीक है यहां तक? S मुझे नहीं पता, V मुझे पता है 8 है, टाइम मुझे निकालना है, तो अगर मैं आपको S बता दूं तो टाइम आ जाएगा। अब S निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस पता है 64, आपको टोटल डिस्टेंस पता है 584, आपको ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं, तो फिर से AB पे आ जाओ। अब AB में
यू पता है, वी पता है, टी पता है, ए पता है, कोई मर्जी क्वेश्चन लगा दो। जैसे मैंने क्या लगा दी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन 0.8 है, टाइम 10 है, एस आ गया 40। तो मतलब ए बी में कोई मर्जी क्वेश्चन लगा के एस निकाल लो, तो एस 40 आ गया, 64 आ गया, टोटल 584 है। ये डिस्टेंस क्या होगा, 584 में से इन दोनों डिस्टेंसेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। एस आ गया, एस इज इक्वल टू वी टी में वेलोसिटी 8 है, तो टाइम क्या आ गया 60। तो पहली जर्नी का टाइम 10 है, दूसरी का टाइम 60 है, और तीसरी का टाइम 16 सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा 86 सेकेंड। तो आइडिया समझ में आया। तो अब कोई ये पूछेगा कि सर हमें क्या पता लगे कौन सी कोई क्वेश्चन अप्लाई करें, वी यू प्लस ए टी, एस इज यू हाफ ए टी, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहले तो थ्योरी पढ़ के आओ, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस बनाने के बाद आप इतनी अंग्रेजी जानते हो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए, फिर प्रॉब्लम की मार्किंग करो, फिर अलग अलग सेकंड में जाके इक्वेशंस को अप्लाई करो, और फिर मैथ भी आना चाहिए कैलकुलेशन, ताकि अपने आंसर तक पहुंच सको। तो फिजिक्स में कई स्टेजेस हैं, पहले क्वेश्चन को समझना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर क्वेश्चन सही समझ में आएगा तो ही आंसर सही आएगा, क्वेश्चन गलत समझ में आएगा आंसर कभी सही नहीं आएगा। आराम से पढ़ो, फिर उसके बाद ट्राई करो, ठीक। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें एक 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 क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ता है। 50-60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तो एक हफ्ता 10 दिन के बाद आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये आपका होमवर्क है, तो ये आपने जो है एज अ होमवर्क के लिए मार्क करो। ट्रिक मैंने बता दिया कैसे करना है, नहीं मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस आप करो। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। तो अब आप एक काम करें, आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करें प्लीज। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम है। बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो मैंने डायग्राम बना लिया, 200 सेंटीमीटर 2 सेकेंड में। क्या उसने कहा बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, नहीं बोला, नहीं बोला, तो u जीरो नहीं लेना। इमेजिन कर लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एक्सेलेरेशन गिवन है, नहीं गिवन, तो इमेजिन कर लेना है पूरी जर्नी की एक्सेलेरेशन a, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, तो ये नेक्स्ट 4 सेकेंड 220 सेंटीमीटर, तो ये डायग्राम क्लियर है। U नहीं पता, A नहीं पता, बस ये चीजें पता है। क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, एस nth का, एस nth का, कितने लोग एग्री करते हैं हाँ एस nth का, क्योंकि थ लिखा हुआ है एस nth का। पर एक प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही बोलने के बाद, जल्दबाजी बोल तो गए, एस nth आपको मीटर में देगा आंसर, वो कौन सा पूछ रहा है कि मुझे डिस्टेंस बताओ, वो क्या पूछ रहा है मुझे वेलोसिटी बताओ, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड, वेलोसिटी बताओ, क्लियर है यहां तक। तो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, जब टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है, नो, तो एस एनथ नाम की चीज तो होती है, वीएथ नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप सोचोगे वीएथ का भी फॉर्मूला ड्राइव कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी में कुछ नहीं करना, वेलोसिटी में कुछ नहीं करना, टाइम को सीधा क्या पुट करना है, इंस्टेंटेनियस टाइम 9। आप सिंपली वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे और टाइम को क्या पुट करेंगे 9, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी 9 सेकंड पे आ जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या नहीं पता यू और ए, पॉइंट समझ में आ रहा है,
वेलोसिटी के अंदर थ का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वियत एस एन एफ जरूर चलता है, डिस्टेंस में चलता है। क्लियर है यहां तक? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में टाइम को हम पुट कर लेंगे 9, यू और ए निकालना। चलो यू और ए निकालने के लिए ये डिस्टेंसेस गिवन है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले ए बी सेगमेंट लेते हैं। ए बी सेगमेंट में आप अप्लाई करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस की जगह क्या लें? 200। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम यहां से यहां कितने 2 हाफ, ए नहीं पता, 2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर है? अब दूसरी इक्वेशन यहां से बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास कितने वेरिएबल हैं यहां पर? 2, एक यू है और एक ए है। तो मेरे को कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए जिससे कि आंसर आए 2, जिसमें यू और ए हो। एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन फिर से तैयार करते हैं। अब कोई स्टूडेंट मुझे यह बोलता है कि आप यहां पे लगा लो, इस सेगमेंट में लगाओ बी से लेके सी तक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक, एस क्या पुट करें? 220, बिल्कुल सही। यू क्या पुट करें? यू को यू रहने दे, गलत, क्योंकि यू वेलोसिटी तो इस पोजीशन की है और एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी यू से इंक्रीज हो जाएगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सेगमेंट के लिए जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस सेगमेंट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसका यू क्या बनेगा? ये बनेगा, जो हमें मालूम नहीं है, तो हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, हमें इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक बार कंप्लीट जर्नी ले ली, इस बार बीसी नहीं लिया, एसी ले लिया। एसी में टोटल डिस्टेंस, एसी में अप्लाई किया एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह क्या पुट किया? 200, और 220 कितना हो गया? 200 प्लस 220। अब क्योंकि मैंने जर्नी ए से स्टार्ट की, तो वेलोसिटी इनिशियल क्या ली जाएगी? फिर से यू, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी यू है, यू पर टाइम क्या लिया जाएगा? 2 + 4 = 6, यू टी प्लस हाफ ए 6 का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? एक बार पार्ट ऑफ जर्नी, एक बार कंप्लीट जर्नी। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि यू दोनों इक्वेशन में क्या रहेगा? कॉमन, ए तो वैसे ही कॉमन है। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया, पूरा पोर्शन क्यों लिया? क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें यू अज्यूम कर चुके हैं, और यहां की वेलोसिटी के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, तो मैंने शुरू से ले लिया। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ना कुछ गलत आ रहा है मुझे ऐसा लगता है, तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यू और ए निकलेगा। फिर से इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैथ्स का वो चैप्टर काम आएगा, यू और ए निकलेगा, और फिर आप अप्लाई करेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू और ए पुट करें, टाइम को 9 पुट करें, आंसर निकालें, पहले यू और ए निकालें। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले यू और ए बताएं क्या आ रहा है। करेक्ट, ए कितना आ रहा है? माइनस 15। ओके, तो ए की वैल्यू आ रही है -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और यू क्या आ रहा है? 7। सॉल्व करें, इसे सॉल्व करके बताएं। यू तो बिल्कुल सही, ए तो बिल्कुल सही है, -15 ही है। यू चेक करें, क्या से 115 ही है, 115 सेंटीमीटर पर सेकंड। ए कितना आ रहा है द्वारा चेक करना? -15 ही है क्या?
इसमें अब अप्लाई करेंगे नेक्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू u को पुट करेंगे 115, a को पुट करेंगे -15, टाइम को पुट करेंगे 9, आंसर निकाल लेना, ये आपका आंसर है। नेगेटिव में आएगा कितना, माइनस ट्वेंटी। ये -20 पता है क्यों आया या इसका मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन हैज चेंज, अगर ये राइट जा रहा है तो लेफ्ट, ऐसे कैसे राइट से लेफ्ट कैसे हो गया एकदम? क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव आई थी, इसका मतलब ये बंदा ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डेशन कर रहा था तो ब्रेक लगाई होगी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को उल्टा चलाया होगा, तभी आंसर क्या आया -50। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, पर जो अगर आपका पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है नेगेटिव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन को एक बार पढ़े, देखो क्वेश्चन है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट है, डिस्क्राइब्स 10 मीटर इन थर्ड सेकंड, तो ये 10 मीटर 3 सेकंड का डिस्टेंस है कि थर्ड सेकंड का डिस्टेंस है? थर्ड का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एनथ, एस एनथ में एन की जगह क्या पुट करेंगे? 3। ठीक है, 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, तो 12 मीटर पांचवें सेकेंड में, पांचवें सेकेंड का मतलब फिफ्थ का मतलब अगेन एस एनथ। ठीक है, यहां तक फाइन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, अब एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं कहा गया कि वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो मैं यू को जीरो ले नहीं सकता, तो यू ले लिया, पूरी जर्नी की एक्सेलेरेशन ए ले ली, तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि थर्ड सेकंड का डिस्टेंस वो आपको दे रहा है, वो छोटा सा जो थर्ड सेकंड होगा वो दे रहा है, टोटल 3 सेकंड नहीं, 3 सेकंड में टोटल हो जाता, 3 सेकंड नहीं दिया, थर्ड सेकंड दिया, एस एन दे दिया। तो आप अगर स्टॉपवॉच लगाएं इस क्वेश्चन में तो यहां तक समय क्या हो चुका है? 3। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कह रहे हैं फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस दे रहे हैं, तो अभी स्टॉपवॉच में टाइम क्या हो चुका है? 5। तो 5 हो चुका, अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस बताएं, उसने ये नहीं कहा थर्ड सेकंड का डिस्टेंस बताएं, उसने कहा नेक्स्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस बताएं, तो स्टॉपवॉच में टाइम 5 सेकंड हो चुका है, अगले 3 सेकंड का मतलब अब टाइम क्या होगा? 8। तो आपको 5 से लेके 8 तक का डिस्टेंस बताना है कितना है, तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, नेक्स्ट 3 सेकंड का मतलब ये डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस के लिए मैं शुरू से लेके 8 सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकाल देता हूं S8। मैंने S8 थ नहीं लिखा, मैंने S8 ट लिखा, 8 का मतलब क्या होता है? 8 सेकंड का डिस्टेंस, 8 का मतलब क्या होता है? 8वें सेकंड का डिस्टेंस, फर्क है। तो यहां पर S8 लिखा, अगर मैं S8 बता दूं, इसमें से 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लूं, और अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। स्टेप समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं S8 निकालता हूं तो मैं फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या अप्लाई करता हूं? S इज इक्वल टू क्या SNth वाली लगाऊं? नहीं, S8 में तो टोटल जर्नी का डिस्टेंस है, तो क्या लगाऊं? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और टाइम की जगह क्या पुट करूं? 8 U8, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? S8 माइनस S5, तो S8 में इक्वेशन क्या लगेगी? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जब टाइम क्या है? 8, और S5 इसमें टाइम क्या पुट करेंगे? 5। इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा, प्रोवाइडेड मुझे U और A पता हो, क्योंकि जब तक U और A नहीं पता लगेगा मेरा आंसर नहीं आएगा। क्या स्टेप क्लियर है? तो हमें U और A निकालने के लिए कुछ हिंट गिवन है, हमें क्या गिवन है? थर्ड सेकंड में डिस्टेंस 10 है,
थर्ड का मतलब एस एन एथ, तो एस एन एथ 10 है। फॉर्मूला क्या है, एस एन एथ का यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, और एन की जगह क्या पुट करेंगे, 3। तो ये सिंपली ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर दूसरा हिंट क्या गिवन है, एस फिफ्थ 12 है, फिफ्थ का मतलब एस एन एथ का फॉर्मूला, तो क्या लगेगा, 12 इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू फाइव माइनस वन। दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास u और a की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। u और a आ गया, u और a की जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के आप u a में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इन दो हिंट से u और a निकाल लेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? हिंट लिखना चाहते हैं लिख लें, ताकि घर जाके एक बार देख सकें, मिलते जुलते क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, तो ये लिख लें, मतलब एक बार हिंट लिख लें इसमें, यू आर ए निकलेगा। तो ये क्लियर है, फिर ये डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में S8, S5 कैसे कैलकुलेट करने समझ में आ रहा है? ठीक, इसके अंदर एक और क्वेश्चन था, फाइंड, ये देखो ये क्या गिवन है, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड है, और बी पार्ट क्या है, इन 8 सेकेंड ऑफ द मोशन। तो एक बात बताओ, 8 सेकेंड का मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एनथ, और एन की जगह क्या पुट करेंगे, 8। अगर वो बोलता है एस 8 निकाल लो, फर्क है एस 8 में और एस 8 थ में फर्क है। एस 8 का मतलब एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस 8 का मतलब आपको क्या करना है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन में टाइम को क्या पुट करना है, 8। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैसे कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं? डाउट इसमें तो होमवर्क करके आएंगे ये भी, या ट्राई करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन राइट, ताकि आंसर आए। ओके, ये क्वेश्चन अभी आप करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन में फर्क है, तो एक बार प्लीज ट्राई करें, खुद करें।
देखो इस क्वेश्चन में बॉडी डिस्क्राइब्स, बॉडी गिवन है यहां पे, ये देखा, बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड का मतलब एस एनथ। तो लेट अस सपोज वेलोसिटी यू आर ए गिवन नहीं है, तो इसमें एस थर्ड 400 है, तो 400 इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन। क्या है पॉइंट, क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफाई करो, टू इधर लेके जाओ, एलसीएम लो, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या गिवन है, 1200 सेंटीमीटर इन फिफ्थ सेकेंड। तो फिर एस एनथ का फॉर्मूला 1200, तो 1200 इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू फाइव माइनस वन। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करके यू और ए निकालो पहले। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, यू और ए निकालोगे, तो आंसर यू का आ रहा है माइनस 600 और ए का आ रहा है 400। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये तो सॉल्व, ये तो मैथ्स है, ये मत कहना कि फिजिक्स वाले ठीक नहीं पढ़ाते। तो यू और ए तो आपको लीनियर इक्वेशन मैथ से सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यू और ए आ गया। अब आपको क्वेश्चन में फिर क्या निकालना है अभी, क्योंकि टाइम, अगर आप इस डायग्राम में देखें, टाइम फिफ्थ सेकंड पे चल रहे हैं, और आपको फिर से क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्री सेकंड का डिस्टेंस। तो अगले तीन सेकंड ये बने एस, कैसे करेंगे? यहां तक टाइम आठ सेकंड हो गया, तो एस एट में से एस फाइव को क्या कर देंगे, माइनस। सेम क्वेश्चन है, एस एट कैसे निकलता है, यू एट हाफ ए एट स्क्वायर। एस फाइव कैसे निकलता है, यू फाइव हाफ ए फाइव स्क्वायर। U पता है, A पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा S की वैल्यू सॉल्व करके 6000 सेंटीमीटर आ रही है। हाँ जी, डाउट इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज। इस क्वेश्चन में ए और यू आ रहे हैं 3 और 10, 10 और 3। तो क्वेश्चन है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25। तो बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो यू जीरो नहीं लेना, यू और पूरी जर्नी का ए इमेजिन करना है। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 25 है और 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 34 है, गिवन है, ठीक हो गया। क्या निकालना है, कैलकुलेट डिस्टेंस इन 12th सेकेंड। तो फिर से क्या फॉर्म लगेगा, एस एनथ, 12th है, ठीक है यहां तक। तो पहले यू और ए निकालना पड़ेगा। तो केस नंबर वन, यहां से यहां तक वी इज यू प्लस 80, वेलोसिटी फाइनल क्या है 25, इनिशियल क्या है यू, एक्सेलेरेशन ए और टाइम कितना है 5, इक्वेशन नंबर वन, ठीक हो गया। फिर अब बात करते हैं पूरी जर्नी की, नहीं हम ये भी कर सकते हैं कि आप ये पार्ट ऑफ जर्नी लें, इस पार्ट ऑफ जर्नी में फाइनल लें 34, इनिशियल वेलोसिटी लें 25, तो भी चलेगा।
और टाइम तो आपको पता है 3 सेकंड है, तो यहां से भी लगा सकते हैं v is u plus ad, तो भी ये आ जाएगा। पर मैंने क्या किया, शुरू से लगा लिया, फिर से अ पार्ट ऑफ जर्नी लगा सकते हैं, पर इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या लेंगे 25, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे यहां पर 34। इस चक्कर में ना पढ़े कि ये भी v, ये भी v, v से कोई ले, u लो v लो क्या फर्क पड़ता है, माइंड में होना चाहिए कि इस जर्नी के लिए इनिशियल और ये फाइनल है। पर चलो मैंने शुरू से ले लिया पूरी जर्नी, पूरी जर्नी में v is u plus at में v की जगह 34, u और एक्सेलेरेशन a और टाइम कितना है 8। तो u और a की फॉर्म में दो इक्वेशंस को लिखो, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, u और a आ गया, u a आ गया, u a निकालने के बाद क्या निकालना है s 12th, तो s 12th में u plus a by 2 into 2n minus 1 में n की जगह 12, तो आपके पास ये आंसर आ गया। फिर निकालना है s 10th का मतलब 10th सेकंड का मतलब u plus a by 2 into 2 into 10 minus 1, आंसर दो आंसर आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कर, मेन प्रॉब्लम हर क्वेश्चन की क्या है, टू फाइंड u एंड a, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको हिंट गिवन होते हैं, ठीक है यहां तक। ये 19 है, सॉरी ये 9 नहीं है, गलती से 9 लिख दिया, 19 है, अब आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर ही लोगे, करना ट्राई। देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एक्स इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है, क्या निकाले, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा अगर होता फाइंड वेलोसिटी तो कौन सी निकलती, इंस्टेंटेनियस, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है पुट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट करोगे ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल। फिर आपको वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, तो फिर से यहां पर वेलोसिटी टाइम की जगह क्या पुट करें 4 सेकंड, दूसरा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में निकालना है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ली इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगी, एक्सेलेरेशन। लिखें होमवर्क ये आपका, ठीक, ये घर से ट्राई करना है होमवर्क, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है, ये वही पिछली शीट्स में से है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है।
देखो ऑन अ फॉगी डे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑन अ फॉगी डे धुंध पड़ रही है, कार ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर 80 मीटर्स अपार्ट। दो कारें आ रही हैं, धुंध पड़ी है, दिख नहीं रहा, लेकिन 80 मीटर पे एक दूसरे को देख लेती हैं। दे वर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आर स्पीड पे चल रही हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को 1000 मीटर में और 3600 सेकंड में, तो 20 मीटर पर सेकंड, और ऐसे यहां पर 50/3। बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली अप्लाई ब्रेक्स, दोनों ब्रेक्स अप्लाई करती हैं और सेम रिटार्डेशन से स्लो डाउन होती हैं एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है, तो ए इज इक्वल टू -5 पुट करना पड़ेगा, +5 नहीं -5 है। फाइंड वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट, क्या इनकी इनका एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, टक्कर हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो बताओ इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 80 था, आप एक का स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लें कि वो कब रुकेगी, v इज इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस निकाल लें s1। उसी तरीके से आप b का स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लें, s2 कब रुकेगी। तो अगर तो s1 और s2 ऐड करके 80 मीटर से ज्यादा आंसर आ गया, फिर तो गारंटेड एक्सीडेंट होगा ही होगा, क्योंकि स्पेस रुकने की सिर्फ 80 मीटर ही है। पर अगर मान लो आंसर 50 मीटर आया ऐड करने पे, तो फिर उनके बीच में 80 - 50 30 मीटर की दूरी होगी। तो ये सारा कुछ कब पता लगेगा, जब आप S1 और S2 निकाल लेंगे। तो आप S1 निकाल लें, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी रुकने की क्या है 0, और रिटार्डेशन क्या है -5। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 × a × S1, सॉल्व करके S1 क्या आ रहा है 40। सिमिलरली यहां लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50/3, फाइनल क्या है 0, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a S2, तो सॉल्व करके क्या आएगा S2। आप देख सकते हैं S1 S2 80 मीटर से तो कम है, तो टोटल जो इनके बीच में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 80 - 40 - 27.7 12.3 आएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। तो मेरे ख्याल से मुझे होमवर्क देना चाहिए अब आपको, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें।
तो होमवर्क के लिए सब्जेक्टिव शीट नंबर सब्जेक्टिव शीट 11 तो नोट करें, वैसे मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगा ये होमवर्क। सब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपने ट्राई करना है, जो भी करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, बस सारा ही हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये पूरी असाइनमेंट ही हो जाएगी, 11 भी हो जाएगा, 12 हमने कर दिया और 13 ये लो सारा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें यार, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 जो आज मिली है ना, एक ऑब्जेक्टिव शीट मिली है, दो जना ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, राइट, क्लियर है। और हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा, और जो भी मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ सब्जेक्टिव, अभी मैं गूगल ड्राइव पे डाल रहा हूँ, सबको गूगल ड्राइव शेयर हो गई है ना, तो इसके सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जो होमवर्क दिया वो नहीं मिलेंगे, जो हो चुकी वो शीट मिल जाएगी। तो जब होमवर्क डिस्कस हो जाएगा फिर वो शीट अपलोड हो जाएगी,